नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह है 7 बजे का टाइम और मैं आई हूँ मंदिर पूजा करने। तो आज है वड़ पूजनी पूर्णिमा। तो आप देखिए ये कितना बड़ा विशाल पेड़ है बड़ का जो यहाँ पर है। ये है हमारी बरसों पुरानी माता रानी का मंदिर, खुलकुल वाली माता जी का। तो यहाँ पर ही ये बड़ का पेड़ है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा और बड़ा विशाल पेड़ है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। साथ में मैं लेके आई थी दीदी, मेरे साथ में आई थी, वो भी सुबह ही नहा ली थी आज। तो हम फटाफट से आज पूजा करने आ गए हैं और आज वट पूजनी जो पूर्णिमा है वो पहली बार मेरे मायके में पड़ रही है। मतलब इससे पहले कभी भी नहीं पड़ी थी। पहली बार मैं अपने मायके में वट पूजनी पूर्णिमा की पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सब सामान थाली मैंने पूरी पूजन की लगा करके लेके आ गई थी। साथ में जल का जो होता है सागर, ये लेके आ गई थी। और मैं जिस तरह से पूजा करते हैं ना पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से, वैसे ही पूजा कर रही हूँ। और जिस तरह से मतलब करते आ रहे हैं उसी तरह से कर रही हूँ। और इस पूजा में आम का विशेष महत्व होता है, तो इसमें ऐसे स्वस्तिक बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर स्वस्तिक बना रही हूँ और इस आम को मैं चढ़ा दूँगी बड़ के पेड़ के। तो आम का विशेष महत्व होता है आज के दिन, तो आम को हम चढ़ा देंगे। और थोड़े एक आम मैं माता रानी के लिए भी लेके आई हूँ और बाकी बच्चे आम मैंने घर पर ही रख रखे हैं, तो वो मैं बच्चों को दे दूँगी सभी को तिलक लगा करके। और थोड़े बहुत पताशे भी मम्मी ने रख दिए थे, ये एक ब्लाउज पीस भी रख दिया था चढ़ाने के हिसाब से भगवान के, तो बस मैं वही चढ़ा दूँगी। और मेरी यहाँ पर जहाँ तक है वहाँ तक पूरी पूजा हो गई है। अब ये जो सूत भी बांधते हैं बहुत से लोग, पर मैं ये मौली ही बांध दूँगी। तो मैं मौली को पूरा अच्छे से राउंड राउंड करके लपेट दूंगी पूरे बड़ के पेड़ के और फिर परिक्रमा भी लगा लूंगी साथ के साथ। और वट पूजनी पूर्णिमा कभी भी इसलिए नहीं पड़ती ना मायके में क्योंकि कि मैं हमेशा क्या होता था, मैं पहले ही चली जाती थी। तो इस बार मैं रुकी हुई हूँ, तो वट पूजनी पूर्णिमा जो है वो अभी मेरी यहाँ पर पड़ी है। और बहुत से लोग वट पूजनी अमावस्या करते हैं, बहुत से वट पूजनी पूर्णिमा करते हैं, पर हमारे यहाँ ससुराल में वट पूजनी पूर्णिमा ही पूजी जाती है। तो मैं वट पूजनी पूर्णिमा ही पूजती हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो पहले वट पूजनी मावस की पूजा करती थी। तो यहाँ पर मैं परिक्रमा भी दे लूँगी और मेरी अच्छे से पूजा हो गई है। और ऐसे विशाल पेड़ जहाँ होते हैं ना वहाँ पूजा करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि के जब भी हम छोटे से पेड़ की करते हैं ना तो उतना मज़ा नहीं आता, परिक्रमा भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं अपन छोटे से पेड़ की। पर ऐसे विशाल पेड़ जहाँ पर भी होते हैं और पूजा के लिए मिल जाए तो अच्छे से पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर ही ये सभी तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और मैं क्या हुआ था, भूल गई थी, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं स्वस्तिक बनाना भूल गई थी जबकि स्वस्तिक हम पहले ही बना देते हैं। तो मैं अब मुझे जैसे ही याद आया तो मैं यहाँ पर स्वस्तिक भी बनाने लग गई। तो ऐसा कुछ ना कुछ गलती तो अपन कर ही देते हैं। और देखिए पूरा मंदिर, ये बाहर का एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। और ये देखिए ये है वड़ का पत्ता, तो इसी में मैं पानी पीऊँगी। पर दीदी बना रही थी वीडियो तो उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई। और ये देखिए हमारी पूजनीय माता रानी, ये हैं खुलखुल वाली माता जी। इन माता जी के मैं बचपन से आ रही हूँ, जब भी मैं छोटी थी ना तभी से इन माता जी को देखती आ रही हूँ। और जो पूरा मंदिर है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है तो ये मंदिर जो है और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग हैं, जैसे माता रानी हैं, यहाँ पर ये बालाजी हैं और इसके अलावा भैरू जी भी बैठे हुए हैं, फिर उधर की साइड में शंकर जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं। तो बस अब हम जाएंगे घर पर। और देखिए बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि उनके लिए हम लेके आ गए थे समोसे और कचौड़ी। हम सब के तो व्रत है ही सही, तो हम सब तो बस फलाहार ही करेंगे। और डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम में। और मिष्टी के बालों में कर रही हूँ अभी तेल मालिश, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो हो गया था डिस्चार्ज।
आज इसके चलते मैं बीच का कोई भी वीडियो बना ही नहीं पाई, तो बस अब शाम के टाइम में बाल वाल बनाएंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं बना रही हूँ आज स्पेशल दाल बाटी। आज हमारे बन रही है दाल बाटी और मैं बना रही हूँ आज, सबको मैं खिलाऊंगी मेरे हाथों की स्पेशल दाल बाटी। ससुराल में तो खैर मैं बनाती ही रहती हूँ, मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तो मैं बनाती ही रहती हूँ आए दिन दाल बाटी। यहाँ पर भी बन जाती है, पर जैसे कि एक बार दीदी ने बना दी थी, उससे सेकेंड टाइम मोना दीदी ने बनाई थी, एक टाइम माला दीदी ने बनाई थी, अब मेरा टर्न है। सब कह रहे हैं कि तेरे हाथ की दाल बाटी खिला सबको, तो फिर मैं बना रही हूँ अभी। और आज व्रत भी है, और मम्मी के यहाँ पर ये होता है कि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं और मेरी बाटियाँ सिक रही हैं अभी। दाल मेरी बन चुकी है, मिर्ची भी बन चुकी है, तो दिखा देती हूँ आपको बाटी। यहाँ पर देखिए मेरी जो बाटी है वो सिक रही है, और आजकल अवन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे ही ढकते हैं ना बाटियों को, तो इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं थोड़ी सी। थोड़ा सा हाथ लग गया मेरा। और हमारा भ्रगु आ गया है, उसकी स्पेशल दाल बाटी बन रही है, वो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। भ्रगु दाल बाटी खाना है? हाँ। खाना है भाई। और ये देखिए ये है मेरी दाल जो बिल्कुल बन करके तैयार है, और यहाँ पर हम अरहर की दाल ही बनाते हैं। उड़द चने की दाल ज़्यादातर मैं ससुराल में बनाती हूँ, पर यहाँ पर हम ये अरहर वाली दाल बनाते हैं बाटी के साथ में। तो ये मेरी तैयार है, बाटी भी बिल्कुल बनकर तैयार होने वाली है, फिर प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल बाटी मिर्ची और साथ में रख लिया है नींबू, तो खाएंगे बस अब खाना। चलिए अपने वीडियो को भी कर देती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।